हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। परमानेंट सरकारी नौकरी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पदों की संख्या 1153 है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसकी सूचना वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को दी थी, डिटेल में एडवर्टीजमेंट और साथ में जो है आवेदन बिल्कुल स्टार्ट हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों अलग अलग विज्ञापन हैं, दोनों को ही कवर कर लेंगे और साथ में आप लोगों को ये भी बता दिया जाएगा कैसे जो है वो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो दो जो हैं अलग अलग विज्ञापन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा दूसरा ये विज्ञापन है। यहां पर आप देखिए विज्ञप्ति के लिए जो है आप लोगों को यहां डाउनलोड करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट। अप्लाई अगर आप करना चाहेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 11 अप्रैल रहेगी, ये ध्यान में रखना है। पोस्ट का नाम है जूनियर इंस्ट्रक्टर, सीधी भर्ती है, यानी एक एग्जाम रहेगा और उसके बाद सिलेक्शन। यहां पर जो है कुल पदों की जो संख्या है 1821, ठीक है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1582 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 279 पद हैं। वेतनमान आप देखिए सरकारी नौकरी है, पे मैट्रिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग निर्धारित होगी। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। पात्रता यहाँ पर कही गई है पद कोड संख्या 1 से 13 तक, जो कि ऊपर आप लोगों को अभी दिखा दूंगी। कनिष्ठ अनुदेशक का जो पद है, जिसमें क्वालिफिकेशन भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के साथ जो है 12th आपकी होनी चाहिए। तकनीकी में जो है व्यवसाय में स्नातक अगर आप हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी कई ऑप्शन हैं। साथ में जो है आपके पास व्यवसाय में स्नातक 1 वर्ष का जो है वो अनुभव भी होना चाहिए। उम्र की अगर हम बात करें तो 40 वर्ष तक के कैंडिडेट, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट जो है यहाँ पर आवेदन करने के योग्य होंगे। तो सरकारी नौकरी में पेंशन की सुविधा भी जो है रहेगी। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। दूसरी जो वैकेंसी है कंप्यूटर अनुदेशक की, इसमें भी जो है 12th मांगा गया है और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक या कंप्यूटर साइंस में स्नातक या आपने मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में की है या ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो है आपके पास 1 वर्ष का जो है वो अनुभव होना चाहिए। अलग अलग जो है ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें। और भी कई वैकेंसी हैं, जैसे रोजगार योग्यता कौशल है, कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग है, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान है। तो अगर आप आवेदन करेंगे तो पद कोड संख्या ये ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग में जो कि आपको नजर आएगी। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है क्रम संख्या या पद कोड 1, तो ये कनिष्ठ अनुदेशक के ही पद हैं, बट ये अलग अलग फील्ड में है, ठीक है। यहां पर जो है कुल 679 पदों की संख्या है। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती, दोनों ही विज्ञापन अलग अलग हैं। ये 5 मार्च 2024 का है और जो दूसरा विज्ञापन आप लोगों को दिखाया गया था ये 11 मार्च 2024 का है। अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आवेदन बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक की लास्ट डेट जो है वो 11 अप्रैल 2024 है और दूसरे में लास्ट डेट जो है 5 अप्रैल 2024 है, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है, तो आप लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशन में बिल्कुल वीडियो को शेयर करें, ताकि कैंडिडेट्स की जो है जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लग सके। थैंक यू।